पहले बुलेटिन में अब बात कश्मीर से जुड़ी हुई खबरों की, यानी कश्मीर दिन भर की। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं, जम्मू कश्मीर से शोपियां मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। लगातार यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन चलता हुआ और उसी के तहत शोपियां में भी मुठभेड़, जहां दो आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। अरशद तजम्मुल हमारे ब्यूरो चीफ, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। तजम्मुल, लगातार जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन चलता हुआ और एक बार फिर से मुठभेड़, दो आतंकी मारे गए हैं, क्या कुछ जानकारी इन आतंकियों के बारे में तजम्मुल? देखिए, दक्षिणी कश्मीर का ये जैनपोरा बैलेट है, जहां पर शुपियन इलाके में दो मिलिटेंट कल रात इनकाउंटर के दौरान गवर्नमेंट फोर्स ने मार गिराए। उसके बाद दो मिलिटेंटों की शिनाख्त जो है अभी की जा रही है, आया लोकल है या नॉन लोकल है। लेकिन इससे कबल जम्मू कश्मीर पुलिस 44 RR CRPF ने जो कॉर्डन सर्च ऑफ लॉन्च किया, उसके बाद लगातार रिपीटेडली मिलिटेंटों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने एक बार फिर ठुकरा दिया और दोनों अतराफ से फायरिंग का सिलसिला रात भर जारी रहा। अभी तक इस मुठभेड़ में दो मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन अभी अभी खबर यह है कि अभी दोबारा फायरिंग शुरू हुई है। जब हम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट में हैं और इस ब्रॉडकास्ट में अभी पता चला कि शोपियां के इस इलाके में गन फाइट में दो मिलिटेंट मारे जाने के बाद अब दोबारा फायरिंग जो है चल रही है। यानी जो पहले से सूचना इलाके में थी कि शायद 2 से 4 मिलिटेंट इस इलाके में देखे गए हैं, जिसके बाद इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसी के साथ वो आपको बताऊं कि सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल में कल बीजेपी नेता गुलाम कादिर भट्ट पर मिलिटेंटों ने हमला किया, लेकिन वो तो उसमें बच गया, लेकिन जवाबी हमले में मिलिटेंट मारा गया और बीजेपी कार्यकर्ता का जो PSO जाती मुहाफिज था वो दोनों मर गए। उसके बाद इलाके का सर्च ऑपरेशन अभी शुरू कर दिया गया। गांधरबल में एक मिलिटेंट, जबकि शुपियन में दो मिलिटेंट और गांधरबल में एक पुलिस एहलकार जिसका ताल्लुक श्रीनगर शहर से है उस मुठभेड़ में मारा गया। DGP ने मारे गए पुलिस एहलकार को जबरदस्त बधाई दी कि इनकाउंटर कम वक्त में चला और जिस तरह से मिलिटेंटों को जवाबी हमले में मारा गया उसके लिए उन्हें बधाई दी। लेकिन साथ ही साथ दक्षिणी कश्मीर में इस इनकाउंटर के बाद इंटरनेट डाटा सर्विस को बंद कर दिया गया और इलाके में मुमकिन एहतियात या इस इलाके में मुमकिन और इनकाउंटर को रोकने के लिए कहीं ना कहीं फोर्सेस की इजाफी दफरी तैनात कर दी गई है। बिल्कुल तजम्मुल, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखना ये भी होगा कि लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है और कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है उसको तोड़ने की लगातार कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।